अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ब्रेड पैटीज़ की रेसिपी। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें मैं 1 अनियन ऐड करूँगी, 1 चॉप्ड अनियन। इसे हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पकाएंगे। लाइट सा कलर चेंज होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। उसके बाद इसमें ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून टिक्का मसाला। और उसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2-3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप दूध ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैंने इसमें 1 कप बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन ऐड किया है। इसे हम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैंने लिए हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस। इसको हम ट्रायंगल में काट देंगे इक्वली। वेस्ट हमने कुछ भी नहीं करना, इसलिए मैं होल स्लाइसेस को यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें से राउंड्स निकाल सकते हैं और बाकी के ब्रेड क्रम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम मिक्सचर को ऐड करेंगे ब्रेड स्लाइसेस पे और दूसरे स्लाइस से इसको अच्छी तरह से कवर करके लाइट सा प्रेस कर देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के पैटीज भी तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं बोल में 2 अंडे। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और साथ ही मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए। सबसे पहले हम पेटीज को एग में डिप करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। और इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड पेटीज भी तैयार कर लेंगे। और हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम ब्रेड पैटीज को फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनको टर्न कर देंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक दूसरी साइड अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखें, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर देंगे। ज़रूर ट्राई करें आप इस रेसिपी को रमज़ान में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। फी अमान अल्लाह।